इंडिया 2050 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ वहाँ के लोग तो क्या सफ़र नहीं कर रहे होंगे? क्या वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी? क्या वहाँ के लोगों को हेल्थ बेहतर मिलेगी? क्या वहाँ के लोगों की जो एजुकेशन है उनका लिटरेसी रेट किस हद तक बेहतर होगा? देखा जाए तो ऐसे में बांग्लादेश का यूँ इस तरह से आगे चल जाना बहुत बड़ी बात है, और इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी एक शर्मिंदगी की बात है कि आपके बाद 1971 के अंदर वो आज़ाद होता है और उसके बाद वो इस तरह से यूँ आगे चले जाते। और जैसे ही इंडिया को देखा जाए, इंडिया सिर्फ जीडीपी में ग्रो कर रहा है तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास वहाँ भी हिस्स रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मेहरान नासर। नाज़रीन, सबसे पहले इंडिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पार्टीशन होती है तो फिर पाकिस्तान बनता है, और फिर पाकिस्तान की भी पार्टीशन होती है तो फिर बन जाता है बांग्लादेश। अब एक इंतहाई शॉकिंग किस्म के जो एक रैंकिंग आई है वर्ल्ड के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से, और उस इंडेक्सिंग के अंदर जो है पाकिस्तान और इंडिया को बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश किस तरह से इंडिया पाकिस्तान से इन चीज़ों में आगे निकल गया और क्या मामलात हुए, आज के इस वीडियो में उसको देखेंगे और देखेंगे कि इसमें इंडिया पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी हो सकती है और वो किस तरह से इस चीज़ में बांग्लादेश को बीट कर सकते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वहीं चलते हैं और देखते हैं। बांग्लादेश और भारत के लिए चिंता की
ये भी रिसेंटली काफी कम हुआ, तो पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 130, अब हमारी रैंकिंग गिरती हो चुकी है 132। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि कोविड-19 की वजह से ना हेल्थ केयर वाले सेक्टर इंडिया को थोड़ी सी मार पड़ी है, इस वजह से ऑटोमेटिकली हम 132 पे पहुंचते हैं, विच इज अ बिग कंसर्न फॉर अस। और फिर अगर हम देखें चाइना को, तो चाइना की रैंकिंग आपके यहाँ पर होगी 79। हालांकि चाइना की रैंकिंग ओवरऑल काफी खराब है, मगर आप देखोगे लगातार चाइना ने इम्प्रूवमेंट करी है, इनकी रैंकिंग गिरी भी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि गिरने का काम अगर किसी कंट्री ने किया है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की रैंक अब जाके हो चुकी है 161, टोटल पाकिस्तान यहाँ पर गिरा है 7 पायदान। और इसका देखिए रीजन ये भी है कि यहाँ पर बाढ़ आई है, याद रखिएगा इन्होंने यहाँ पर डेटा लिया है 2021-22 पीरियड का, 2022 में जो बहुत सारी चीजें हुई है, इवन आप अगर देखो पिछले 5-6 महीने में जो बहुत सारी चीजें हुई है उसको इन्होंने यहाँ पर काउंट किया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इस इंडेक्स में श्रीलंका की रैंकिंग आपको काफी बहुत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो इकोनॉमिक रेसिडेंस को काउंट किया नहीं। तो शॉकिंग बात यह पाकिस्तान के लिए कि ये लोग बहुत ज्यादा नीचे गिर गए रैंकिंग में, और अभी तक तो इनके देश में बाहर से दवाई आई है उसको काउंट किया नहीं गया। आप देखोगे अगले साल पाकिस्तान की रैंक और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी, और इस इंडेक्स से नीचे आप अगर देखोगे तो सबसे बदतर देश आपको मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में साउथ सुडान की रैंक है 191, इवन अफगानिस्तान की रैंक यहाँ पर थोड़ी मिलेगी 180। और एक और फैसिलिटी हमारे यहाँ पर यही है कि अगर हम बात करें ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, सारे कंट्रीज में जो भी हुआ सबको अगर आप देखें तो हर देश में ओवरऑल आप अगर देखो तो गिरावट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर। कुछ कंट्रीज है यूरोप की, वहाँ पर इतनी गिरावट नहीं आई, मगर ओवरऑल आप अगर देखोगे तो ह्यूमैनिटी को कोविड-19 ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आई है। प्रोजेक्शन थी कि दुनिया भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा स्कोप दिखा है। तो उम्मीद यह है कि अगले साल दुनिया भर के देश के लोग यहाँ पर आएंगे ताकि ओवरऑल ह्यूमैनिटी प्रॉस्पर करे। और फाइनली मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, ये टॉपिक रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा स्पोर्ट्समैन है जो रिसेंटली डायमंड लीग चैंपियन बना है। पीएम मोदी ने भी यहाँ पर इस बारे में करी थी कि ये स्पोर्ट्समैन डायमंड लीग चैंपियन बन चुका है, द फर्स्ट डायमंड लीग चैंपियन फ्रॉम इंडिया। यह है आप आपके ऑप्शन पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली आपको दिया था। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे उनको कमेंट में हार्ट दे दूंगा ताकि बातें समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हां फाइनली आप सब लोगों के लिए क्या कहते हैं आप नतीजा इस साल पहले तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, इससे ये पता लगा कि किसी भी मुल्क की जीडीपी उसकी मिलिट्री इन चीज़ों पे नहीं रिलाई कर रही होती, जो HDIS के ऊपर रिलाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी। और जहाँ तक हमने देखा पाकिस्तान की रैंक, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे भी कहा सैलाब से निकाल कर उन्होंने ली है, तो उससे पहले भी ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हेल्थ सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिल्कुल नहीं। और जैसे ही इंडिया को देखा जाए, इंडिया सिर्फ GDP में ग्रो कर रहा है तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास वहाँ भी घिस रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वहाँ पर भी नहीं है, और एजुकेशन भी उनके दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम है। अब देखा जाए तो ऐसे में बांग्लादेश का यूं इस तरह से आगे चल जाना बहुत बड़ी बात है, और इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी एक शर्मिंदगी की बात है कि आपके बाद 1971 के अंदर वो आज़ाद होता है और उसके बाद वो इस तरह से यूँ आगे चले जाता है, और 86 लाख की जो है उसकी आबादी है, लेकिन फिर भी वो वो एक अपनी जानब जो भी है मामला चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन ये है कि अब देखो कि US जैसा जिसके पास बहुत ज़्यादा इकॉनमी है, और यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन इंडेक्स की ये है इसमें यूनाइटेड नेशंस में ये ज़्यादातर तो US के अंडर ही आ रही होती है, लेकिन US भी 22 नंबर पे है, अफगानिस्तान भी कहीं पे चलेगा, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कोई ऐसा फ़र्क नहीं, और हाँ। इंडिया में भी इंडिया हमसे कोई 20-25 पॉइंट आ गया, लेकिन आप देखें कि हम टोटल 195 की दौड़ में 130, 161 और यहाँ पे घूम रहे 129 पे, और इसी तरह अफगानिस्तान। लाइफ की हम देखते हैं जी कि इंडिया 2050 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, लेकिन तीसरी बड़ी इकॉनमी के साथ साथ वहाँ के लोग तो क्या सफ़र नहीं कर रहे होंगे, क्या वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, क्या वहाँ के लोगों को हेल्थ बेहतर मिलेगी, क्या वहाँ के लोगों की जो एजुकेशन है उनका लिटरेसी रेट किस हद तक बेहतर होगा, देन उन बुनियादों पर जाके आप HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह USA आज दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, लेकिन ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में वो कहाँ पे है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग
कि जिसको हमें देखना है, क्योंकि पैसे से पेट तो नहीं भरेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो अपनी जगह, लेकिन इन इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से, आपका रहन सहन किस तरह, अगर ऐसे पैसे को क्या करना कि जहाँ के लोग जो हैं उनके पास सेहत की जो है वो सुविधाएँ ना, सेहत की फैसिलिटीज़ ना हो, उनके पास पढ़ने लिखने की फैसिलिटीज़ ना हो, उनके पास रहन सहन का तरीका ही उस स्टैंडर्ड का ना हो, अभी भी उसी कच्ची बस्ती और झोपड़पट्टी में रह रहे हों, तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। इसके बगैर तो दुनिया तो फिर चलती जा रही है। वरना मुझे ये बता दें कि अगर एक इंसान सोने के बर्तन में खाता है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन सोने के बर्तन मौजूद हैं, तो सोने के बर्तनों को क्या करना है? या वो एक इंसान के सामने सोने के बर्तनों के अंदर बहुत सा खाना पड़ा हुआ है लेकिन उसकी कुछ हेल्थ इस तरह की वो नहीं खा सकता, तो वो किसी भी चीज़ के नहीं। सो बेसिक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ की फैसिलिटीज़ और बंदे की एजुकेशन होती है। जब इन पे काम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसके साथ साथ आपकी दूसरी चीज़ें जो है वो भी इम्प्रूव होगी। यानी वो आप इस हवाले से क्या रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के अपने मेज़बानों को दें या तो दुआ में याद रखें। अल्लाह।